मिश्रा जी, अभी हालांकि लड़ाई बाई इलेक्शन की है 9 सीटों पर, लेकिन चर्चा अब 27 की चल गई, तो हमने कहा चलो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि 27 का सत्ताधीश कौन, क्या लग रहा है आपको, तस्वीर क्या दिख रही है उत्तर प्रदेश की? बड़ा सारगर्भित आपका विषय है, ये चुनना चाहिए। देखिए, पहले मैं गंभीर होकर के इस चीज को मैं बता दूं कि ये पोस्टर देख के जो विचार मेरे मन में आया, हम सभी लोग बचपन में, मैं तो खेलता था नदी तालाब के किनारे, रेत वगैरह होते थे ना, तो कभी उससे मीनार कुछ ऐसे बना के घर की तरह ईंट ऊंट थोड़ा लकड़ी उकड़ी लेके बना लेते थे और खुद ही खुश हो जाते थे, देखो ये मेरा महल बन गया। फिर वो 10 मिनट आधे घंटे में गिर जाता था आंधी तूफान, फिर जाके बनाते थे। तो ये ठीक यही प्रक्रिया, और स्पेशली त्रिदेव, त्रिदेव में जो यादवों के 3 पुत्र हैं, उधर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, इधर अखिलेश यादव, अखिलेश यादव को मैं अखिलेश भैया बोलता हूँ सम्मान से, प्रिय वो मुझे बहुत है। तो ये जो त्रिदेव हैं और इसके साथ जितने और पुत्र हैं, राहुल गांधी हो गए, आंधी तूफान ला रहे थे, उधर शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी हैं, तो ये रेत के घरौंदे बनाते हैं जिसकी उम्र शायद 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, चुनाव तक होती है, फिर वो घरौंदा टूट जाता है। राजनीति बहुत गंभीर विषय है, हमें भी नहीं पता था घर कैसे बनाया जाता था, तो हम खुश होते थे, कितनी मेहनत लगती है, ग्राउंड पे काम है नहीं, सपने देखना इस तरीके से। अरे अब तो गंभीर होइए, अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, पीछे के चुनाव में गंभीर हो के सीखिए, इन लोगों ने ग्राउंड की राजनीति की नहीं। मुलायम सिंह यादव चाहे जैसे रहे हो, लालू यादव, इन लोगों ने घिसा है, चप्पलें घिसी है एक एक की, ये तो बॉर्न विद द सिल्वर स्पून है, मुख्यमंत्री बन गए पिताजी के कारण, इनको कुछ पता ही नहीं, इनको तो बस यही पता है टीवी मीडिया ये सब पोस्टर लगा दो बन गए, तो यही ये माजरा है। ठीक विजय भाई, अभी बाई इलेक्शन का किंग कौन ऐसा होल्डिंग ज्यादा मौजूद होता नहीं, लेकिन ये जयराम पांडे जी 27 चरण में चले गए, खैर चले गए तो भाई चर्चा पर चर्चा शुरू हो गई कि 27 का सत्ताधीश कौन, आपकी पार्टी को क्यों लगता है कि 27 में आपकी ही सरकार आ रही है देखिए विजय अमिताभ जी, भाई? सबसे पहले सब लोगों को मेरा नमस्कार। भैया और मैं नमस्कार। अभी एक चीज बता दूं, अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत इन्होंने बातें कर दी ऐसी। अभी शायद अखिलेश यादव जी ने जो मेहनत की है वो देखना ही नहीं चाह रहे। ये मेरी समझ में नहीं आता कौन सा चश्मा लगाते हैं इन्हें। एक तरफ कहते हैं सम्मान करते हैं, अरे कम से कम भाई थोड़ा देखना भी तो चाहिए ना। क्या रैली करी है उन्होंने, कितना घूमे, एक नेता आप ऐसा हिंदुस्तान में बता दो जो हजारों लोगों से डेली मिलता हो, एक नेता का नाम बताइए आप मुझे। मैं सही बात तो ये बता दूं, मैं अमिताभ जी आपकी बातों का भी जवाब दूंगा, जी लेकिन कोई नेता आज माननीय अखिलेश यादव जी के बराबर नहीं है। कोई नेता पूरे हिंदुस्तान में आप बताइए जो हजारों लोगों से, कार्यकर्ताओं से अपने डेली मिलता हो, एक नाम बताइए आप, इनसे पूछ लीजिए एक नाम। एक नाम बोल रहा हूं, दो और तीन नहीं पूछ रहा, एक नाम। वो हजारों कार्यकर्ताओं से डेली मिलते हैं, जितना आसान उनसे मिलना किसी नेता से नहीं है, और जबकि वो पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान की तीसरी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो मुंह में चाहे कितनी बात कह दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात मैं आपसे बता दूं, क्यों नहीं लिखे अखिलेश यादव जी के लिए? पहली बात तो यह है, ये उन्होंने तो लिखा नहीं, ये जी लिखा है किसी कार्यकर्ता नेता ने, उसकी भावना है, और भावना गलत नहीं है, भावना सही भी है। जब भाजपा की ये बड़ी बड़ी तारीफ करते थे, पुलिंदे बांधते थे, तो उत्तर प्रदेश में उसका रथ रोक दिया, सबके गणित बिगाड़ दिए, सबकी भविष्यवाणी गलत साबित हो गई। और जब वही पत्रकार हो, राजनीतिक विश्लेषक हो, या बीजेपी के समर्थक हो, अब उस बात से कन्नी काट जाते हैं। अगर हम उनसे बोले भाई क्या बोले थे तुम उस समय, तो कहते हाँ हाँ हो गया, चलो हो जाता है गलती, मतलब अपनी बात पे 5 मिनट भी डिस्कशन कर ले तो करते नहीं। और हमसे पूछते हैं भाई ये कर दिया, 17 में किया था नहीं आए, 22 में किया था नहीं आए, 19 में नहीं आए, अरे तो भाई आएंगे नहीं क्या कभी? क्या सकारात्मक राजनीति छोड़ दे? ये जनता का विचार है। और विचार क्यों है? विचार इसलिए है जी कि आपके विधायक के बेटे पे गोली चला देते हैं, आपके पदाधिकारी, आपके नगर अध्यक्ष, आप दंगा करा दे उत्तर प्रदेश में, आप लोगों को मरवा दे, कटवा दे, लोगों के साइट पे जाकर के दूसरे जो समुदाय के लोग हैं उनकी टोपी और धारण करके उनकी ड्रेस योगी जी को मारने की धमकी दे दे, आप लोग ये कर रहे। अरे उनके विरोध में विपक्ष में कुछ बोलोगे कम से कम? यह सारी चीजें विपक्ष की दिखाई जी, देती है। ठीक है गलत विजय भाई, जितने राजनीतिक ठीक विश्लेषक हैं, कुछ थोड़ा तो ठीक है, ध्यान बचना चाहिए ठीक मेरे है विजय भाई। भाई, मैं ओपी सिंह जी पास चलूंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो बात विजय जी कह रहे हैं कि जनता के जनादेश से ही कोई भी पार्टी सरकार में आती है, और अगर योगी सरकार 2 बार से जनता का जनादेश पाने में सफल रही है,
तो फिर जनता गलत नहीं हो सकती। जो चार्जशीट विजय राठी बता रहे हैं और उनके लिए होगी, लेकिन अगर जनता को वो चार्जशीट समझ में आती तो योगी सरकार बाहर हो गई होती सत्ता से। योगी योगी सत्ता में कैसे आ जाते? कोई जबरिया थोड़ी सत्ता में आ सकता है ना। आप अपना केस जनता की अदालत में रख सकते हैं। कोई दंगा कराने वाला, कटवाने वाला, क्या क्या बोला विजय भाई ने, ऐसा कोई सरकार में जनता कैसे चुन लेगी? जो जनता को कटवा रहा उसको जनता क्यों चुन देगी? और लोकतंत्र में इसके अलावा तो कोई दूसरा इम्तहान नहीं, कोई पैमाना नहीं, कोई नपना नहीं, जनादेश ही एकमात्र नपना है कि आपकी चार्जशीट पर जनता ने क्या संज्ञान लिया, ये जनादेश से ही तो पता लगता है। इसलिए मैं कहता हूं जनादेश का सम्मान होना चाहिए। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह, लेकिन जनादेश का सम्मान होना चाहिए। जिस वोट से योगी जीते उसी वोट से ममता बनर्जी जीतती हैं, उसी वोट से केजरीवाल और उसी से भगवंत मान और उसी से स्टालिन। कोई अलग वोट पड़ता है क्या? उनको जापान वाले वोट देते हैं, इनको फरुखाबाद वाले नहीं ना। वही भारत का मतदाता है। इसलिए मतदाता का आदेश, उसका निर्णय मान के चलिए कि सबसे बड़ी अदालत के निर्णय से भी बड़ा निर्णय है। इसलिए उसको सिर झुका के विनम्रता से स्वीकार किया जाना चाहिए। ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि 27 का सत्ताधीश तय हो गया। बात बाई इलेक्शन की थी, लेकिन उन्होंने विधानसभा का भी बिगुल फूंक दिया है समाजवादी पार्टी ने, ऐसा लग रहा है। अर्थात ये विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश में सत्ताधीश शब्द का प्रयोग, यह राजतंत्र और अहंकार का द्योतक। सत्ताधीश राजतंत्र और अहंकार का द्योतक है। अगर पोस्टर से कोई सत्ता, उनके शब्दों में सत्ताधीश हो जाए तो फिर लोकतंत्र में चुनाव की कोई जरूरत तो है नहीं। क्या जरूरत है? अभी से हो गए सत्ताधीश। और मुंगेरी लाल का सपना देखने में कोई हर्जा नहीं है। जब से ये गद्दी पाए, गद्दी वो भी अपने पुरुषार्थ के भरोसे नहीं पाए, अपनी लोकप्रियता से नहीं पाए, अपने पौरुष से नहीं पाए, ये पिता की गद्दी को छीन कर बैठने वाले साहबजादे। और ये जब से बैठे तब से 17, 19, 22, 24 हर चुनाव में कभी मुख्यमंत्री हो जाते हैं भावी, कभी प्रधानमंत्री हो जाते हैं, लेकिन बन पाते कुछ भी नहीं है। और 27 के पहले इस तरह का ऐलान करना जनता जनार्दन के जनादेश और लोकतंत्र दोनों का अपमान है। हम ये कहें कि भाई ठीक है, चुनाव आता है, आप सब उम्मीद करते हैं, सब चुनाव लड़ते हैं, सब जीतने के लिए लड़ता है, हारने के लिए तो कोई लड़ता नहीं है। लेकिन 2024 में ही अहंकार में कह लिया जाए कि साहब अखिलेश भैया सत्ताधीश हो गए, 24 में प्रधानमंत्री हो गए, तो ये मतलब एक सरकार बनाना बड़ा एक गंभीर विषय है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस पर कोई इस तरह की टिप्पणी करना वो करना, हाँ उपचुनाव था तो उसमें कुछ कह देते कि भाई हम सारी सीटें जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी डर गई, डर के मारे जो है वो मैदान में नहीं आ रहे, कुछ इस तरह से कहते तो कुछ जनता सोचती। आप ये बताइए, जो जो आदमी संवैधानिक पद पर रहा वो अपने क्रियाकलाप और पार्टी के क्रियाकलाप से हंसी का पात्र बने? मतलब कभी आप जो है दीवार फाद जाते हैं, कभी गेट फाद जाते हैं, कभी कुछ तरह का बयान देते हैं, कभी कुछ तरह का बयान देते हैं। और दूसरी बात यह है कि चुनाव 27 का हो या इसके पहले का हो, इसके बाद का हो, एजेंडा सबका तय है अमिताभ जी। कोई बदलाव नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में बदलाव है, न समाजवादी पार्टी के एजेंडे में बदलाव है। समाजवादी पार्टी का एजेंडा जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टिकरण, उपद्रवी, गुंडे, माफिया, बवाली का संरक्षण, और भारतीय जनता पार्टी का सुशासन, विकास, कानून व्यवस्था और जन कल्याणकारी योजनाएं, वो भी भाई जान और जितने जान है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। दंगा ऐसा तो और नहीं दंगा। है अयोध्या का विकास तो दो रुपया भी नहीं दिया और सैफई को आपने बना दिया चमा चम। पिता पुत्र के जमाने में सैफई विश्व स्तर का बन गया और अयोध्या में दो 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 रुपए नहीं खर्च किया,
वही अयोध्या की हालत, वही टाट, वही कंबल, वही जो है पंखा, वही टेबल, वही ठीक। ओपी सिंह जी, मैं उत्तर ले लू विजय जी से, उत्तर विजय जी, बीजेपी कह रही है कि आपकी प्राथमिकता अयोध्या नहीं थी, आपकी प्राथमिकता सफाई थी। एक मिनट ओपी सिंह जी, विजय जी, भाजपा कह रही है कि सपा की प्राथमिकता अयोध्या नहीं थी, उसकी प्राथमिकता सफाई थी। तभी तो अमिताभ जी अयोध्या में मुंह की खाए हैं लोग, अभी अयोध्या में बेचारे बोलते हैं, बहुत मतलब कम बोलते हैं, बचते हैं, देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, ये इनके दिल की टीस है। उसपे देखे, दो सीटों पे अगर जिक्र ना करें तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो ये कूद जाते हैं, एक तो मुजफ्फरनगर और एक फैजाबाद, अगर ये छोड़ दें तो ये बेचारे खुश रहते हैं। तीसरी बात देखिये, अमिताभ जी आपने एक बात बोली थी जनादेश की, कि जनता के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए, हम मानते हैं और सर झुका के मानते हैं। लेकिन अगर लास्ट वाला आप देखें, 2024 का चुनाव हुआ, उसके बाद अभी कोई चुनाव नहीं हुआ, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जनादेश किसे मिला? समाजवादी पार्टी को। तो क्या भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर रही है? अरे इनके गले से नहीं उतर जा रही है, जूतम पैजार हो रहा है एक दूसरे में, ये नहीं स्वीकार कर पा रहे। जिस जनता को इन्होंने दो दो तीन तीन बार सरकार बना ली, हमने स्वीकार किया, लेकिन ये नहीं हजम कर पा रहे। हम भी तो यही बोल रहे हैं भाई, 2024 में जब हमें मिला, हम बड़ी पार्टी बने, तो वहां से अगर हम लास्ट ही देखा जाता, जब ये बात करते हैं, ये पहले 19 की बात करते थे, अगर हम तो विजय राठी, एक मिनट विजय भाई, एक मिनट, बाईस में चुनाव के बाद आपने कहा, अखिलेश जी ने कहा, मतलब किसी छोटे व्यक्ति ने, खुद अखिलेश जी ने कहा कि हमारी जीत छीन ली गई। क्या हम जीत गए थे? ये जो भाजपा वाले जीते बताए जा रहे हैं, फर्जी हैं क्या? और आप कह रहे हो हम सिर झुका के स्वीकार कर लेते हैं। सुनिए, जो सीटें इनको मिली, अरे सीटें नहीं, आपने अखिलेश जी ने पूरे इनके पूरा मैंडेटरी खारिज कर दिया था, तो इसमें गलती क्या है? इन्होंने हराया हम लोगों को, जो 500 से नीचे, 1000 से नीचे जो मतों की गिनती थी, उन सीटों को इन्होंने छीना हमसे। क्या नहीं किया डीएमएसएसपी ने? देखा नहीं आपने? आप ही के तो चैनल पे चला था सब कुछ, कौन कौन से बूथों पे लिखा था, ठीक है, आपने नहीं देखा? ठीक है विजय भाई, देखिए जनता ने इनको जनादेश नहीं दिया था, पूर्ण बहुमत नहीं दिया, सरकार बनाने का सीटें कम थी, इन्होंने हर जिले में लगभग एक सीट हमसे छीनी है, उस बात के गवाह है हम लोग। कैसे विजय राठी, क्या इन्होंने घपला किया? लास्ट में बोल दूं, देखिए लास्ट में एक चीज बोल दूं अमिताभ जी, अभी ये बहुत सारी बातें इन्होंने कही, अभिमान अहंकार और घमंड की, अभिमान अहंकार और घमंड किस नेता में है? भारतीय जनता पार्टी के सब जानते हैं, चाहे वो दिल्ली के बड़े वाले नेता हो या छोटे उनसे लखनऊ के नेता हो, चाहे वो महिलाओं पर, नौजवानों पर या पत्रकारों पर मुकदमे लगाने की बात हो, अहंकार घमंड तो इतना है कि अगर एक पत्रकार स्कूल में ये दिखा दे कि खाने में नमक मिला दिया तो उठा करके उसको जेल में डाल दिया, ये इतना बड़ा घमंड है? ये चाहते हैं इनकी खबर ना चले? हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी ऐसे हैं कि उनका कार्टून बना करके भी टीवी पे चलता है तो वो उसको भी पोस्ट कर देते हैं। किसी में हिम्मत है? मैं चैलेंज करता हूं किसी पत्रकार में, पत्रकार बड़ी चीज होता अगर हिम्मत है योगी जी का कोई कार्टून बना करके चला के दिखा दे। और ये ओपी सिंह यहाँ बात करते हैं, ओपी सिंह जी में खुद इतनी हिम्मत नहीं है जाकर के, लोकतंत्र धरास आई है इनकी पार्टी में कि जाकर के कोई ऐसी चीज समझा दे। आपको भूल गए अमिताभ जी, लास्ट बात क्या करके मैंने एंड कर दिया, बस लास्ट, आप ही के चैनल पे और सब जगह आपने देखा था एएनआई के पत्रकार योगी जी के मुंह पे एक माइक लगा रहे थे और क्या वर्ड बोला था योगी जी ने, आप उम्मीद कर, मैं बोल नहीं सकता टीवी पे, वो इतना वो गाली होती है उत्तर प्रदेश में, वो गाली है जो उन्होंने उसको बोला था कि माइक को लगा करके कि क्या कर रहे हो तुम, ये ओपी सिंह जी बात करते, अरे नजरे नहीं उठा पाएंगे अगर सामने आ जाए लोग।